मेरे ही जो जनरेशन के एक्टर्स हैं दे आर टच वुड ऑल डूइंग वेरी वेल टूडे उन्होंने बहुत चप्पल घिसी है hmm. बहुत लोगों से मिले हैं आप मतलब फोर्थ एडी से दोस्ती करके और <laughs> और वो ऑफिस के बाहर वॉचमैन से और स्टूडियो के बाहर वॉचमैन के साथ दोस्ती कर करके आपको एंट्री मिल रही है आप किसी डायरेक्टर को सालों तक परस्यू कर रहे हैं फिर आपको मौका मिलता है फिर वहाँ से नाम नहीं लूँगा किसी के लेकिन नाम मत लीजिए समझ ही कर मैं ये घूम के नहीं कहूँगा कह रहे कोई थिएटर को, को अप्रिशिएट नहीं करता है मेरा काम है कि अपने कोई फिल्म बना दे तो उनका काम है कि वो मतलब एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे सो so, ये है स्ट्रगल टू टेक माई वर्क अक्रॉस इन द लाइव मीडिया थैंक यू सो मच सबसे पहले हमसे बात करने के लिए मेरा नाम सत्यम है जैसा कि आपको पता है और ये न्यूज क्लिक का शो है एनसी हैंंग आउट जी जी तो सबसे पहले सबसे लेटेस्ट से शुरू करते हैं बिल्कुल <laughs> स्कूप।, <laughs> स्कूप स्कूप का लास्ट एपिसोड में मतलब सिर्फ कोर्ट रूम सीन में आपको इसलिए हंसल जी ने बुला लिया बिकॉज यू डन स्कैम विद हिम एक तरह का कंफर्ट लेवल है कंफर्ट hmm. लेवल तो नहीं कहूँगा एक तरह का क्रिएटिव हमारा जो भी ट्यूनिंग है उस हिसाब से हंसल फेल्ट दैट ही ही कुड यूटिलाइज मी इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल तो जो स्कूप में मैंने किया है वो hmm. स्कैम के रोल से बिल्कुल ही अलग मतलब 180 एटी डिग्रीज डिफरेंट है तो उस तरह से उनका मेरे में ट्रस्ट है और एक क्रिएटिव ट्यूनिंग है और मेरा भी उनमें मैं उनको बहुत मतलब उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है क्रिएटिवली तो इट्स गुड फॉर मी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ और जो आपने स्कैम में किया था वो बहुत hmm. ज़्यादा अलग था जो कि आपने पीछे टीवीएफ के साथ काम किया है उसके जी कंपेरिजन में जी तो पहले मैं स्कैम की बात आपसे करना चाहता हूँ कर पूरा एक तरह से फेम मिला है स्कैम से कई लोगों को फेम मैं इस समय नहीं कह रहा हूँ कि लोग तब जाने आपको लेकिन काफी ज्यादा रिकोगनाइज किया गया जी और काम देखा गया सिर्फ आप ही का नहीं प्रतीक का भी और भी लोगों का श्रेया धनवंतरी का फॉर एग्जाम्पल उस स्कैम के बाद से बहुत सारे लोगों को एक तरह से रिकोगशन मिला था उसका कैसा पूरा प्रोसेस था और जब वो एकदम फट के निकला है स्कैम जी तो तब कैसा एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी वो हाँ हाँ एक्चुअली हंसल uh, और मैं मतलब काफ़ी सालों से एक दूसरे का काम देखते आ रहे हैं उन्होंने मेरा काफ़ी थिएटर का, का काम देखा हुआ है नाटक देखे हुए हैं उनकी मैंने फिल्में भी देखी है फिर उनका जो खाना खजाना आता था वो भी हाँ. देखा हुआ है लेकिन uh, दो तीन बार ऑलमोस्ट साथ में काम कर करके इस तरह से वो हो नहीं पाया था तो फिर मैं ऑडिशन दिया मुकेश याब्रा के यहाँ तो तीन घंटे में मुझे जवाब मिल गया था कि अगर जैमिनी रोल करना चाहता है तो तो मैं नो no okay. उस तरह से बिकॉज वी वर ऑलरेडी काइंड ऑफ प्लान थे के साथ में काम करेंगे तो राइट टाइम राइट प्लेस एक तरह से हो गया uh, फिर स्कैम की पूरी एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सब कुछ लॉकडाउन में हुआ है huh. तो किसी को एक एडिटर यहाँ पे बैठे हैं दूसरे एडिटर पूरी टीम बिखरी हुई है सब कुछ मतलब ऑनलाइन काम हो रहा है फिजिकली कोई लोग साथ में भी नहीं थे hmm. तो हमें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था किसी को भी कि ये सीरीज़ इतनी पसंद की जाएगी आई डोंट थिंक हंसल और एनी ऑफ अस काइंड ऑफ कुछ पता था कि uh, एक तरह से कैप्टिव ऑडियंस भी थी उस वक्त hmm. और जो लिखा गया है बहुत बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है बहुत देवशीष बासु और उनकी किताब पे बेस्ड है द कैरेक्टर दैट श्रेया इज प्लेइंग सो इट्स अ टेरिफिकली रिटन स्क्रिप्ट और फिर उसका कैनवस और जिस तरह से हंसल ने और एडिटर्स ने संभाला उसका जो बीजीएम है हां वो तो वो इतना गजब का उतर गया हाँ, वो सबके रिंगटोन और लोग डांस कर रहे थे <laughs> रिंगटोन वगैरह हो गया था <laughs> तो मेरे लिए भी मतलब टी वी एस पिक्चर्स किया था उससे पहले लेकिन स्कैम से फिर से आई आई बिगैन टू बी नोटिस एंड पीपल वर सेइंग वेयर हैव यू बीन एंड आई सेड राइट अंडर योर नोज इट्स जस्ट दैट वन कैन कंटिन्यू डूइंग वर्क बट इट टेक्स अ रियली गुड प्रोजेक्ट टू टू डू रियली वेल फॉर पीपल टू नोटिस यू ऑल ओवर अगेन दैट्स ऑल और फिर में भी इसी तरह से मतलब शुरू की बात कर सकते हैं क्या जरूर स्कूलिंग कॉलेज जी पहला नहीं? काम मोस्टली मैं अजमेर में मैंने स्कूल किया है माय फादर एट दैट टाइम वाज अ सर्जन इन द इंडियन रेलवेज तो वहाँ पे सेंट एनसम स्कूल करके एक हुँ. स्कूल है एंड uh, उनके जो प्रिंसिपल थे फादर एमन कोयलो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत मतलब uh, विश्वास रखते थे तो so, अगर आप पहला काम की बात कर रहे हैं तो मैं स्कूल से निकलने से पहले तकरीबन बीस नाटक कर चुका था हाँ, स्कूल में हाँ स्कूल में और वो इनक्रेज भी करते थे मतलब पढ़ाई पे तो बहुत सारे नाटक होते थे ये अलग अलग तरह के कभी कोई शॉर्ट स्टोरी लेके कर की है कभी जो मतलब पिछले पचास साल से हर स्कूल में मंकी स्पॉ हाँ। और इस तरह के जो नाटक हो रहे हैं फिर हर दो साल में एक एनुअल प्ले हुआ करता था जिसकी स्क्रिप्ट वो खास कर मतलब कॉमेडी होती थी लेकिन प्रॉपर टू एक्ट प्ले मतलब होता था इस तरह के हिंदी में मान लीजिए भोला राम का जीव नाम की एक कहानी है हरशंकर परसाई की इस तरह की कहानियाँ अडेप्ट करके जो सेट फॉर्मेट वाले नाटक होते हैं स्कूलों में जो सालों से चल रहे हैं उस तरह के लेकिन उसमें मुझे मतलब ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर जाता था जब कोई पूछते थे कि भाई अब नाटक होने वाला है किसको काम करना है घर पे बहुत डांट भी पड़ती थी क्योंकि हाँ, पढ़ाई पे, पे जोर दिया जा, जाता था <laughs> और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छा स्टूडेंट था तो मतलब मुझसे काफी भी हाँ अकेडमिकली भी तो मुझसे काफ़ी उम्मीदें थी स्कूल को भी घर वालों को भी पहला काम हुआ फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज आया मैं तो वहाँ पे भी जो एक तो लाइब्रेरी थी वहाँ की वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों ऐसे ऐसे प्ले के नाम सुने जिनको मतलब दुनिया मानती थी लेकिन जिनके बारे में मैं नहीं जानता था बिल्कुल तो मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठ के वो प्लेस पढ़ते रहता था तो फिर दूसरी चीज़ के मुंबई में जो इंटर इंटरकोलीजियट सीन है थिएटर का बहुत ही वाइब्रेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है हर चीज़ कॉम्पिटिटिव होती है आप अगर अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी थिएटर फेस्टिवल में बड़े फ़ख्र की बात होती है तो थोड़ा बहुत वो भी किया मैंने फिर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज सत्यदेव दुबे जो अच्छा दुबे के बहुत बड़े हाँ, डायरेक्टर थे तो उनका मैंने वर्कशॉप yeah. किया तब से मुझे एक तरह का साक्षात्कार हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ मुझे थिएटर करना है मुझे एक्टिंग करनी है उसके बाद फिर बहुत एकेडमिक पापड़ वापड़ मिले एम <laughs> से ड्रॉप आउट मारा एम इकोनॉमिक्स से ड्रॉप आउट मारा हॉस्टल मिल रहा था तो एम इंग्लिश किया और फिर द टेलीविज़न वॉज जस्ट स्टार्टिंग एंड द गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन में जो पाँच छः सीरियल थे डी डी मेट्रो भी काफ़ी काम mm -hmm. कमीशन करने लगा था तो माई फर्स्ट टी वी वर सीरियल कॉल्ड फर्ज जो डी डी मेट्रो पर आता था और स्वाभिमान <coughs> तो वहाँ से फिर जोनी टेक ऑफ हुई धीरे धीरे आई एम थिएटर लेकिन कॉन्स्टेंटली करता रहा मैं थ्रू थिएटर अब चल रहा अभी अभी हाँ तो अभी थिंक टर्म दीपल गिव यू यू नो आपकी परसेप्शन में तो आप काम कर रहे हैं यू आर लिविंग ईच डे यूर गोइंग फ्राम वन जॉब टू द नेक्स्ट समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल ऑल्सो फॉर द राइट काइंड ऑफ वर्क टू कम योर वे तो मैं जितना हाँ बोलता हूँ काम को उससे डबल ट्रिपल तो मैं ना बोलते रहता हूँ क्योंकि ऑफर uh, कर... होते हैं आपको अगर हम पिक्चर्स के बाद देखें पिक्चर्स की वजह से

समटाइम्स ऐसे ही है सिर्फ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो गुड क्योंकि विजिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट सम विच आई फील इन माई ओन सेंसिबिलिटी के या तो रिग्रेसिव है या बार बार मुझे खुद को रिपीट करना पड़ेगा और कुछ नया करने को नहीं है क्योंकि एक्टर uh, की जिंदगी भी बड़ी मतलब अजीब सी होती है कि पहले आप Uh, कोशिश करते रहते हैं कि कोई आपको पहचाने फिर आपको पहचानने लगते हैं लोग फिर आप पे छाप लग जाती है फिर आप उसी छाप से आप परेशान होने लगते हैं <laughs> कि, नहीं कि भाई अब मुझसे कोई कुछ अलग नहीं करवा रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बिना छाप लगे थोड़ा सा अगर मैं छाप लू और अलग अलग तरह का काम करता रहू क्योंकि जो पिक्चर्स में एक तरह का कैरेक्टर है रजत खन्ना है तो स्वाव एम बी ए टाइप ऑफ मैन फिर उन्हीं की जो क्यूबिकल्स बनी थी सेकेंड सीजन उसमें आई प्लेड एन एम्प्लॉय हैज नो मोटिवेशन टू बी पार्ट ऑफ द कॉपोरेट सेटअप यू नो कि वो सबकी खिल्ली उड़ाते रहता है एंड फाइनली गेट्स फायर्ड फॉर नॉट है मोटिवेशन बट वो एक इंटरेस्टिंग काउंटर पॉइंट है टू द होल रैट रेस सो दैट्स वाई आई टूक अप द कैरेक्टर फिर स्कैम uh, का भी जो कैरेक्टर था जो कैरेक्टराइजेशन था, मैंने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह uh, तो बहुत, बहुत है। <laughs> मतलब है होते, होते हैं तो इस तरह का जहाँ पे मुझे कुछ अलग करने का मौका मिले uh, अपनी जो भी वर्सिडिलिटी है वो दिखाने का मौका मिले मैं इस, इस कोशिश में रहता हूँ क्या करते हैं आप मतलब मुंबई में किसी ग्रुप के साथ आप जुड़े हैं या मेरा खुद का ग्रुप एक है एक्चुअली खुद का ग्रुप है तो मैंने तकरीबन पंद्रह नाटक प्रोड्यूस किए हैं डायरेक्ट किए हैं अभी फिलहाल एक मेरा शो हुआ था महादेव भाई नाम का सोलो परफॉर्मेंस है तो महादेव देसाई महात्मा गांधी के सेक्रेटरी थे पच्चीस साल तक मैंने किया डायरेक्शन रामू रामनाथन लिखा भी रामू रामनाथन ने है और इसके करीब साढ़े तीन सौ शो हो गए 2002 में मैंने ये करना शुरू किया था अंग्रेज़ी नाटक है फिर उसको उसका अनुवाद किया उसको हिंदी में किया फिर फिर कहा कि जिसमें जो सारे लोग हैं वो तो हैं गुजराती तो फिर उसका गुजराती भी अनुवाद किया क्योंकि मैं तीनों भाषा बोल लेता हूँ तो तीनों भाषा में मैंने इसके शोज किए हैं तो वो तो चल ही रहा है दो से और हाल फिलहाल एक और तीन सोलो परफॉर्मेंसेस तीन शॉर्ट स्टोरीज की तो एक इसमत चुखताई की तिल है फिर एक मानव कॉल की सपना शॉर्ट स्टोरी है और तीसरी है कृष्ण बलदेव वैद्य की उड़ान तो ये विमेन ओरिएंटेड ऐसे हमने पढ़ना शुरू किया था लॉकडाउन से पहले कि हमने कहा कि भंडार है पूरा शॉर्ट स्टोरीज का हम जिंदगी भर पढ़ते रहें तो भी मतलब इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और तीस चालीस स्टोरीज़ पढ़ने के बाद उसमें से हमें तीन जो बहुत पसंद आई फिर उसमें से एक ऑटोमेटिकली थीम निकल आया तो उसके फिलहाल अभी शोज किए हमने वो जो नया

बड़ा ही सुंदर इंटीमेट स्पेस uh, बहुत बढ़िया मतलब आप ऑडियंस से लिटरली आप यू यू कैन फील द एनर्जी व्हेन व्हेन परफॉर्मिंग उस तरह का स्पेस कैसा तो, है है कंपैरेटिवली महंगा अभी तो वो इनवाइट कर रहे हैं okay. तो जब वो इनवाइट करना बंद करेंगे और जब एक्चुअली तो... पता चलेगा बट इवन इफ दे द लार्जर स्पेस एंड बेसिस मुझे लगता है कि जो छोटे दो स्पेस हैं उसको सब्सिडाइजेबल तो सब्सिडाइज करना चाहिए मेक इट अफोर्डेबल क्योंकि यंग जो थिएटर वाले हैं यंग थिएटर डायरेक्टर्स हैं एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं वो ऐसे ही uh, uh, जगह पे पनपते हैं uh, तो जैसे पृथ्वी थिएटर है या जैसे छबिलदास हुआ करता था दादर में सेवेंटीज में वेर दी होल मराठी एंड हिंदी थिएटर एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट विजय तेंदुलकर हैं महेश येड़े हैं इनके सारे गिरीश कर्नाट के नाटक करने शुरू किए गए तो इस जगह का तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया शो के बाद तो मैंने ये बात भी डाल दी उनके कान में कि, कि इस दिल्ण स्पेस दिल्ण को आप सब्सिडाइज करें और इस तरह के मतलब पचास और स्पेसेस बम्बई में और पूरे देश में यू शुड इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग स्मॉल थिएटर स्पेस दिल्ली में ये बात होती है जो लोग थिएटर करते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है हाँ और जो दिल्ली में थिएटर कर रहा है उसका इवेंचुअल गोल मुंबई पहुंचना ही है और मुंबई पहुंचकर थिएटर करना नहीं है बल्कि फिल्मों में जाना है जी या टीवी सीरीज करना है या मतलब एक जनरल जो परसेप्शन है दिल्ली के थिएटर सर्किट में यही है जो वो लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं वो वहीं पर हैं उन्होंने वहीं पर काम किया है वो थोड़ी बहुत फिल्में मिल जाती हैं तो कर लेते हैं उनका मन करता है तो नहीं तो वहीं पर रह काम करते हैं जो मुंबई का थिएटर सर्किट है उसके मन में मतलब उसको कहाँ पहुँचना है उसको सिर्फ थिएटर करना है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग जैसे आप खुद भी हैं अमृता सुभाष हैं या चलिए नसीर साहब या सुप्रिया जी पंकज जी तो बड़े लोग हो गए हैं बहुत साल से काम कर रहे हैं लेकिन जो यंग लोग हैं वो फिल्मों में भी, भी काम कर रहे हैं और थिएटर भी लगातार कर रहे हैं तो यहाँ का जो थिएटर सर्किट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और दिल्ली अगर आपने एक्सप्लोर किया है तो उसके बारे में बताइए देखिए दिल्ली के बारे में तो मैं पहले मुंबई की बात करता हाँ क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10-12 भाषा में थिएटर होता है मुंबई में और ये रेगुलर होता है और ये रेगुलर होता है तो मराठी है गुजराती है आ, हिंदी और इंग्लिश इसमें एक सूक्ष्म सा भाग है इस इस पूरे थिएटर मैप के फिर तेलुगु में भी अपनी कम्युनिटी में लोग करते रहते हैं वो अपना हॉल में करेंगे तमिल होता है मलयालम होता है सिंधी होता है बम्बई का जो आम आदमी है उसे नाटक देखने में रुचि है और वो ऐसा नहीं कि पास भिजवा दोगे तो आ जाएंगे <laughs> <laughs> आप समझ रहे हैं शायद तो, है <laughs> हा, हा, तो शायद दिल्ली थिएटर की ट्रेजिडी भी ये है <laughs> कि इट डज नॉट हैव अ पेइंग ऑडियंस विच इज़ विलिंग टू तो बाय अ टिकट एंड सपोर्ट द थिएटर इसलिए आपको ग्रांट ढूंढना पड़ता है इसलिए आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है आ, या तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको <laughs> एक बजट मिलता है उसमें से आप अपने नाटक करते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि दिल्ली में इस तरह का थिएटर कोई करता है जिसमें पचास शो होते हों और जो बॉक्स ऑफिस पे चलते हों जिस तरह से मुंबई में ऑलमोस्ट हर नाटक चलता है आपके पास कोई नया एक्टर अगर आता है कि मुझे थिएटर करना है नया एक्टर मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन कर चुका कोई इंसान चौबीस पच्चीस साल में है तेईस चौबीस साल में वो कहता है कि मुझे फुल टाइम थिएटर ही करना है तो क्या सुझाव देते हैं आप उस इंसान को पहले तो अपनी कहता हूँ कि ऑडिशन भूल जाओ रिहर्सल रिहर्सल पे आओ है ना hmm. काम मत मांगो दैट यू वांट टू वर्क विद मी सो लेट दैट बी एन इन्फॉर्म चॉइस आके तुमने मेरा नाटक भी नहीं देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो सुना होता है कि अच्छा जयमिनी पाठक है चलो hmm. उनके पास uh, काम करने का मौका मिलेगा तो मैं कहता तुम रिहर्सल फीस नहीं कोई आई डोंट चार्ज पीपल फॉर देम टू वर्क विद मी इफ दे वर्क विद मी आई पे देम अ टोकन अमाउंट ट्रैवल करते हैं तो उससे डबल होता है

मुझे उसमें मजा आता है इसलिए मैं वो करता हूँ जिसको मजा आए वो आए करे साथ में सीखे और दूसरी चीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि आ, देखने से मतलब बहुत कुछ सीखा जा सकता है बट ऑल्सो गो एंड ट्रेन योर अच्छे hmm. लोगों के साथ सो वॉच गुड वर्क गो एंड वर्क बैक स्टेज विद गुड पीपल एंड इफ पॉसिबल फाइंड आउट अ गुड लाइक सिक्स मंथ कोर्स और वन ईयर कोर्स और उसमें से अगर सीखने को कुछ मिलता है तो ऑलवेज वर्क ऑन योर क्राफ्ट क्योंकि इंतजार करते वक्त आप इफ यू बीन है तो, तो you know? yeah. उसमें से फिर बहुत सारे लोग uh, आए हैं उनको थोड़ा सा ट्रेन किया लगा कि नहीं रॉ है लेकिन अच्छा है जैसे ये अभी के जो बहुत सारे ओ टी टी के एक्टर्स हैं hmm. तो अमोल पराशर है अंशुमन झा है नीति भिष्ट है

Uh, जिसके पास वक्त होता है आजकल तो वक्त देना भी क्योंकि नहीं तो क्या है आपका नाइन्टी परसेंट टाइम शेड्यूलिंग में जा रहा है हुँ. तो uh, इसलिए छोटा रखना वर्क uh, बेटर इसलिए ये तीन सोलो परफॉर्मेंसेज की हुँ. है और उसमें भी शेड्यूलिंग काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभार बिकॉज एवरी वन बिकॉज ऑफ दी टी स्पेस बिकॉज देर इज मो वर्कनिंग एवरी वन इज अ बिजी एक्टर और वॉन्ट टू बी अ बिजी एक्टर सब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं सबको मिल भी रहा है अवसर सबको मिल रहा है सबको मतलब अब ये तो अतिशयोक्ति होगी मतलब सब ले लेकिन सबको होप बेहतर बेहतर हुआ है आपके टाइम की अगर हम बात करें आज से बीस पच्चीस साल हाँ देखिए उस वक्त तो मुझे काम इसलिए मिलता था टीवी में क्योंकि लोग जो डायरेक्टर्स थे वो खुद थिएटर देखने आते थे

फिर मैंने काफ़ी साल इसी तरह से थिएटर और टेलीविजन थिएटर और टेलीविज़न करता रहा बीच में कुछ फिल्में भी की इस रात के सुबह नहीं आ, दो तीन फिल्में और की सुभाष गई साहब के साथ मैंने ब्लैक एंड वाइट नाम की उनकी एक फिल्म है तो ये सारे थिएटर कनेक्शन से ही होता था फिर बीच में आई गॉट वेरी बिजी विद माई ओन थिएटर प्रोडक्शन कि मैं प्रोड्यूसर भी था डायरेक्टर भी था तो और एक्टिवली uh, काम ढूंढना उस वक्त होता था कि या तो आप फ़ोन घुमाओ या आप लोगों से मिलते रहो उनको सेट पे जाके मिलो Uh, किसी कोई आपका या तो सेक्रेटरी होगा या मैनेजर होगा जो आपके एल्बम लेके घूमेगा लोगों हाँ। के पास अपना काम कॉम्प्रोमाइज भी होता है ना जो आप लगातार कर रहे हो वक्त नहीं रहता हाँ। आपके पास इतना कुछ करने को मतलब मेरे ही जो जनरेशन के एक्टर्स हैं दे आर टचवुड ऑल डूइंग वेरी वेल टुडे उन्होंने बहुत चप्पल घिसी है हाँ। बहुत लोगों से मिले हैं आप मतलब फोर्थ एडी से दोस्ती करके और और वो ऑफिस के बाहर वॉचमैन से और स्टूडियो के बाहर वॉचमैन के साथ दोस्ती कर करके आपको एंट्री मिल रही है आप किसी डायरेक्टर को सालों तक परस्यू कर रहे हैं फिर आपको मौका मिलता है फिर वहाँ से नाम नहीं लूँगा किसी के लेकिन आप नाम मत लीजिए समझ ही गए अगर वो ये इंटरव्यू देखेंगे भी तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ तो ये ऐसा था दौर ऐसे उंगली दिखा दी फिर <laughs> <laughs> ये जब कास्टिंग डायरेक्टर्स शुरू हुए तो उसके बाद काफी कुछ बदल गया बिकॉज दे आर एक्टिवली नाउ लुकिंग फॉर एक्टर्स और जो फिल्में बना रहे हैं जो ओ स्पेस में सीरीज बना रहे हैं वो भी अब अपना ब्रीफ देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को हाँ. तो इस तरह से मुझ जैसे एक्टर्स हैं बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो एक तरह से बीच जैसे आपने बोला दिल्ली के भी एक्टर हैं थिएटर करते रहते का तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है सो आई थिंक दिस इज द गुड थिंग दिस इज रिलेशनशिप तो मतलब कि, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा तो मौका मिलने की जो बात होती है वो हल्का सा बढ़ रहा है आप कम अप से कम अपनी जाके एक एक ऑडिशन दे सकते हैं आप अपना आप ऑन टेप हो जाते हैं बीस कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास ई ईमेल आईडी होता है उसमें आप अपने फोटोग्राफ अपना बायोडाटा भेज सकते हैं एक लिस्ट में एड हो जाते हैं एक तरह से मतलब फिर भी याद तो दिलाते रहता रहना पड़ता है

स्ट्रगल वाला फेस तो तब था जब एक के बाद दूसरा कोर्स फिर तीसरा कोर्स फिर जिससे कि हॉस्टल मिलता रहे तो कभी दीवार फांग के घुस रहे हैं कभी वार्डन की नज़र बजा के भाग रहे हैं कभी फीस नहीं दे पाए ये सब स्ट्रगल फेज था उसके बाद जैसे मैंने बताया काफ़ी जल्दी जो टेलीविजन का एक बूम पीरियड था उसमें मुझे काम मिलने लगा था फर्ज है स्वाभिमान है तो उसकी वजह से मतलब वो आठ आठ लोग एक कमरे में रह रहे हैं और एक बाथरूम है और शेयर कर रहे हैं या पब्लिक तो उस तरह के उस तरह की हार्डशिप

तो मतलब बड़ा कंसिस्टेंसी है ना तो कैसा रहता है काम करना टीवीएफ के साथ एक तरह से वो, हाँ. वो कैसे कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरू होती है खत्म हो जाती है साल भर चलती है आई थिंक टॉपिक्स इज एम सर्टेन ऑडियंस है ना तो उन्होंने एक 15 टू 35 40 का जो भी ऑडियंस एज ग्रुप है हाँ. वो उन्होंने कैप्चर कर लिया है उस चीज से जुड़ा हुआ है तो लोगों को आ, अपनी जिंदगी का कुछ या तो एक्व मिलता है या उसको देख के कुछ होप मिलती है जैसे पिक्चर्स का भी जो पूरा सक्सेस hmm. था, was, वो था वो वही था वो कॉर्पोरेट इम्प्लॉय छोड़ना चाहते हैं हसा हुआ महसूस कर रहा है हाँ, क्योंकि TVF की फुल ऑफ इंजीनियर्स हैव लेफ्ट इंजीनियरिंग ऑडियंस प्रोफाइल इन और हुक्ड पीपल ऑन टू वॉचिंग थिंग्स ऑनलाइन मतलब नेटफ्लिक्स ये सब तो थोड़ा बाद में आए हाँ बहुत बाद में आया अपने फोन so, में कंटेंट देखना तो देखना यहाँ से शुरू हुआ, हुआ। हो गया था सो विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग यार कि आप एक होम ग्रोन कंपनी है और आपने अपने ही होम ग्रोन टैलेंट और अपने ही टॉपिक्स उठा के उनके बारे में बात करके और अलग 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 टॉपिक्स हैं मैंने उसे ऑर्डर किया चिकन चंगेजी खाना है। उसने कहा नहीं मिलेगा तवा चिकन मिलेगा मुझे इतना बुरा लगा <laughs> क्यों <laughs> ये आप बोलो ना मैं आ, ऐसी struggle? ये वाली स्ट्रगल है मेरी। ये वाली स्ट्रगल हाँ, नहीं नहीं स्ट्रगल दूसरी स्ट्रगल जो सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है कि जब आप अपना पैसा लगाते हो क्योंकि मैं किसी ग्रांट से या किसी स्पॉन्सरशिप hmm. से थिएटर नहीं करता हूँ क्योंकि फिर आपको एक तरह का थिएटर करना पड़ता है hmm. और मैंने हमेशा पोलिटिकल थिएटर किया है जो मैंने प्रोड्यूस किया है और सो उस में द स्ट्रगल इज़ टू गेट द ऑडियंस इन बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी एंटरटेनमेंट अगर आप कर रहे हैं तो मतलब मैं ये घूम के नहीं कहूँगा कह रहे कोई थिएटर को अप्रिशिएट नहीं करता है मेरा काम है कि अपने, को फिल्म बना दे तो उनका काम है कि वो मतलब एग्जीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे सो so, ये है स्ट्रगल टू टेक माई वर्क अक्रॉस इन द लाइव मीडिया कभी ये वाली चॉइस आई है आपके जहन में ये थिएटर भी की और कैमरा की या स्क्रीन की बहुत बार आती रहती है आप दोनों कर रहे हो कभी ऐसा कि यार छोड़ देते हैं

और स्क्रीन का काम के लिए आपको थोड़ा फ्री रखना पड़ता है आपको क्योंकि लंबा जाता है हुँ. और थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी उसका होता है कभी कभार शेड्यूल इधर उधर हो जाते हैं फिर भी मैं थिएटर कर रहा हूँ मेरे जो दो नाटक हैं वो चल रहे हैं आ, और नाउ द चैलेंज आई सेड इज़ नाउ दैट आई एम गेटिंग नोटिस्ड अगेन एज एन एक्टर इन दी इन दी ओ टी टी स्पेस सिनेमा में बी इज टू बी वर्सेटाइल टू नॉट रिपीट माई सेल्फ की अलग अलग चीज़ें ये बहुत कम मुझे लगता है बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है हुँ. हमारी हमारे सिनेमा में क्या कि कोई एक्टर अलग 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 तरह के रोल करे, करे उसको मौका मिले या वो या वो ढूंढे मना करे एक ही तरह का काम करने के लिए क्योंकि एक्टर भी तो कितना सबसे इनसिक्योर प्राणी होता है क्योंकि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है बहुत और फिर जब आपकी थोड़ी बहुत चल पड़ती है तो आपको काम टाइप कास्ट कर दिया जाता है टाइपकास्ट तो ठीक है आपको काम मना करने में भी डर लगता है क्योंकि आपने इतने सालों की जो आपने इतना साल संघर्ष किया है पैसे नहीं कमाए उसका जब पे टाइम आता है तो मना करना मुश्किल होता है सो आई डोंट ब्लेम एक्टर्स लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की कुछ इस तरह का कुछ काम करूँ इस तरह की कुछ छाप छोड़ें कहें कि नो टू रोल्स एक जैसे नहीं थे एक जैसे नहीं थे बहुत कम एक्टर्स कर पाए हैं ये हमारे सिनेमा में हमारे यहाँ ज़्यादातर वी वॉन्ट एन एक्टर टू हैव अ सर्टन पर्सोना एक तरह की एक्टिंग करे एक्ट्रेस एक तरह की एक्टिंग करे कौन कर पाया है कोई आता है में में दिमाग आ, जहन में नाम मम्मूटी है मोहनलाल हैं नसीर साहब इज वर्क वो कर पाए हैं ओमपुरी साहब ने शुरू का काम भी अलग टाइप का किया और बाद में भी पिक्चर चाहे कितनी भी घटिया हो ओमपुरी साहब का भी घटिया काम नहीं करते थे <laughs> आ, उन्होंने किया है एक्ट्रेसेज में स्मिता पाटिल वॉज एब्सुलटली अमेजिंग आजकल विद्या बालन कर रही हैं Uh, मुझे आलिया भट्ट का काम बहुत अच्छा लगता है hmm. uh, रणवीर सिंह भी अपने हालांकि ही इज़ अ सेवेंटी एम एम mm, मतलब लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार लेकिन वो अपने हर रोल में कुछ एक अलग क्वालिटी लेके आते हैं एंड ही इज सेलेबल ही इज़ अ सुपर स्टार हु इज़ इन्वेस्टिंग इन इन क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट तो ये मुझे अच्छा लगता है फिर और कौन है इरफान खान के जाने का हमेशा मुझे लगता है मिले थे आप सबको दो होगा बहुत पहले थोड़ी देर के लिए मिला था कभी काम करने का मौका नहीं नहीं साथ काम करने का मौका एक पार्टी में ऐसे ही मिले थे तो उनकी जो एक्टिंग में एक लय थी करने की वो उनकी अपनी लय ले थी लेकिन वो हर कैरेक्टर में उस लय को तोड़ के उस कैरेक्टर के लिए कुछ नया करते थे वो सीखने आप सीख भी नहीं सकते हो आप सिर्फ देख के यू कैन ओनली मावल के ये कैसे जो पोएटिक क्वालिटी जो थी ना उनकी एक्टिंग में तो इरफान है कोई ऐसे लोग हैं जिनको करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए उनके तो आप नाम नहीं लोगे ना मतलब ऐसा होता है ना एज एन ऑडियंस पूछ रहा हूँ मैं आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है ना आप बताओ हाँ आप बताओ मैं क्या <laughs> <laughs> आपको कौन लगता है किसको अपना <laughs> यार मतलब लगता है ना कि यार यार ये क्या कर रहे हो यार ये तो मत करते ऐसे देखो... मेरे लिए तो बहुत सारे लोग हैं चक्कर ये है कि अच्छा काम देख के मतलब खुद को इंस्पायर करना आई फाइंड इट मोर यूजफुल हाँ देन डिसिंग अ बैड फिल्म और डिसिंग अ गुड एक्टर डूइंग बैड वर्क उसको बोलना होगा तो मैं आमने सामने उस बंदे को बोल या बंदी को बोल दूंगा लेकिन ये ऐसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो उसका मुझे कुछ उसका कोई प्रोडक्टिव नहीं लगता है वो। किसी के किसी के बुरे काम की बुराई करना किसी के अच्छे काम की मैं अच्छाई उसकी उसकी प्रशंसा करूँ ये कंस्ट्रक्टिव लगता है सो so इसीलिए मैंने इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम लिए चलिए बताइए ओपन हाईवर है बारहवीं पहले क्या देखेंगे दोनों देख लेंगे उसमें क्या है मुझे बारहवीं तो के बारे में बहुत, आ, मैंने सुना है आप पहले देखी तो उधर वाले कैंसिल कर देंगे देखो ये कैंसिल कल्चर जो है ना ये ये भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि फिर क्या काम करना बंद कर दें क्या सबकी अपनी बात करते हैं आर्ट और आर्टिस्ट वाली बात करते हैं सबकी अपनी अपनी सेंसिबिलिटी होती है सब अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं कि मैं सुपर हिट पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है है ना अब उस हिसाब से वो अपने उनको लगता है कि हमारी कोई टारगेट ऑडियंस है है ना बड़ी से बड़ी फिल्में अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए बनती है फ्लॉप हो जाती है।, है ना और कोई बिल्कुल ही स्लीपर हिट निकल के ऐसी आ जाती है और लोग बहुत पसंद और लोग बहुत पसंद करते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं है सब लगे हुए हैं किसी के पास नो बडी हैज करेक्ट इट ये एब्सोलूटली नो बडी हैज अब श्याम बनेगल साहब हैं वो कितने सालों से सिनेमा बना रहे हैं हाँ। वो बना रहे हैं ना वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं कर पचास साल हो गए उनको फिल्में बनाते हाँ. कम से कम उनकी बहुत सारी फिल्में तो सिनेमा में रिलीज भी नहीं हुई होंगी हाँ तो उनसे क्या कहिएगा आपके नहीं आप क्यों करते हैं आपकी पिक्चरें कोई मतलब से रिलीज तो होती नहीं आप क्यों करते हैं हाँ. कैन बी सेट टू हेम या अगर कोई ईरानियन फिल्म मेकर है केरवस्तमी है वो उनके इतने जो सारे रूल्स हैं रेस्ट्रिक्शन है तो मुझे आदमी बोले तो पिक्चर बनाना नहीं छू तो बनाते हैं ना फिर सिनेमा वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाते हैं सो दू ओवरकम विकल्स एंड स्टिल डू आर्ट मम्मी पापा ने तो बोला था डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ किया है चूज किया है ना <laughs> तो फिर देन यू हैीच आउट फिर आपको मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मतलब ठीक है आपको फ्रस्ट्रेशन होती है आपको रिजेक्शन होता है आपकी बड़ी से बड़ी फिल्म फ्लॉप हो जाती है राज कपूर साहब की जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी ही कंसिडर्ड हिज मेरा नाम जोकर हिज ओपस हिज बेस्ट फिल्म तो नहीं चली नहीं चली और सब कुछ गिरवी रखना पड़ा उन्हें और फिर अपने बेटे के साथ उन्होंने बॉबी बनाई और फिर बॉबी हिट हुई और फिर उसके बाद ही हैड अ सेकेंड तो ऐसे तो बहुत मतलब एग्ज़ाम्पल्स हैं एज एन इंसाइडर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जजिंग आजकल तो हर कोई क्रिटिक है हाँ। की से. तो आप किसको सीरियसली लेते रहे आप अपना काम करोगे किस लोगों की सुनते रहोगे क्योंकि पहले तो बोलने वाले दस थे जिनसे आप मिलते थे या कोई फोन उठा के आपको बात करें आजकल तो आजकल तो, आज तो सबके पास ट्विटर है सबके पास इंस्टाग्राम है सबके पास यूट्यूब है फेसबुक है जो जहाँ जो कहना चाहे वो कह सकता है सो हाउ मेनी पीपल कैन यू फॉलो इट स्टिल बॉयज डाउन टू द टेन पीपल हु मैटर हुज ओपिनियन मैटर्स टू यू उन्हीं से आप बात करेंगे तो आप रहे हैं अजमेर में और फिर फिर बम्बई में पैदा हुआ था आंध्र प्रदेश में फिर चार साल तमिलनाडु में भी रहा हूँ फिर पापा अजमेर गए मतलब जैसे एक, एक तरह से होश संभाला तब से अजमेर और हाँ और बंबाई। फिर बम्बई में और किसी शहर में नहीं रहा नहीं फिर मुंबई छोड़ने का मन ही नहीं किया मैंने कहा यहाँ जो काम करने का मौका मिलता है अलग अलग तरह काम करने का मौका मिलता है एक एक ही शहर है जिसमें आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो करें <coughs> आप उसमें अगर थोड़ी देर रुके रहे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं मुझे नहीं लगता कि अपने देश में फिलहाल कोई दूसरा ऐसा शहर है जिस वो इतना अलाइव है इसकी वाइब इतनी अलाइव है ओपन माइंडेड है लोग अपना काम से काम करते हैं वर्क कल्चर इतना अच्छा है यहाँ का पसंद है आपको शायद बिल्कुल पसंद है वैसे भी मेरी मदर बम्बई की है अच्छा तो बचपन से मैं आता रहा मेरे मामा जी भी यहाँ रहते हैं तो आई लव बॉम्बे आई लव लवली प्लेस और अ, मतलब ऐसा लगता है कि बम्बई फट जाएगा लेकिन लोग अभी भी आते रहते हैं और अपने सपने यहाँ पे साकार करते रहते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कैसे ये शहर सबको समेट लेता है साथ में चलता है सबको मतलब ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है सब hmm. कुछ है पर देर इज डिफाइंड अबाउट मे बी दॉयल हवा कभी आपको ये आ, जहन में आता है कि जो हम एन वर्ड की बात करते हैं ना बॉलीवुड का एन वर्ड है hmm. तो जो स्टार किड्स हैं या और जो लोग हैं जिनको एक तरह का प्रिविलेज मिला हुआ है जिनका काम हो सकता है कि आपसे ज्यादा रिकोगनाइज रिकॉग्नाइज किया जाएगा उनका काम आने से पहले भी जलन होती है कभी कभी हुई है यार सबके ना अ लॉट ऑफ योर लाइफ इज डिटर्मेंड बाई वेयर यू आर बॉर्न इससे आप इनकार नहीं कर सकते हो हाँ। और हमारे देश में तो जो मतलब जाति व्यवस्था है कास्ट सिस्टम है उससे तो इससे बड़ा कोई सत्य हो ही नहीं सकता कि वेयर यू आर बॉर्न अनफॉर्चुनेटली विल डिटर्मिन लॉट ऑफ वॉट यूर लाइफ विल पैन आउट एज पर उसमें से आपको निकलना है sure. तो जिस पीस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उसके साथ मैं खुद को कंपेयर नहीं करता हूं कि वो क्यों सक्सेसफुल हो मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माई सक्सेस कभी भी नहीं मतलब लगा कि यार होता है कभी कभी तो देखते मतलब यार? यार काश के इसमें कोई ढंका एक्टर ले लेते इन स्टेड ऑफ समयर बिकॉज ऑफ कनेक्शन तो फिल्म अच्छी बन जाती hmm. लेकिन ऐसे इतने एग्जाम्पल्स भी तो हैं लोगों के जिनके कोई कोई वो हैव टू फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम वॉट इंस्पायर मी है ना क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने के तो बहुत और इस इंडस्ट्री में तो आपको फ्रस्ट्रेट होने के लिए दिन में दस वजह मिल जाएगी <laughs> इसीलिए लोग इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर गरियाने लगते हैं और फिर मैंने कहा ना ये तो है ही सबके हाथ में <laughs> तो इसमें गरियाना चालू हो जाता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट उस तरह से नहीं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो करे सब अपनी तकदीर लिखा के आते हैं मुझे क्या करना है मुझे किस तरह से अपनी छाप छोड़नी है इसी से फुर्सत नहीं मिलती है छाप छोड़ कर छापना है हाँ छाप छोड़कर छापना <laughs> भी है एकदम <laughs> देखो ये छापने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफेशन है हाँ मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे लगता है कि मैंने भी काफ़ी वक्त और काफ़ी एक्टरों ने काफ़ी वक्त इसमें वेस्ट कर दिया कि इसको पैशन समझना कि ये ही समझना क्यों तो, नहीं हर चीज़ आपको खुद को यू हैव टू फाइंड यू हैव टू हैव अ डीप डिज़ायर टू रीच आउट इन एवरी वे आर्ट तो है ही आपका लेकिन लोगों से मिलना लोगों से बात करना वो सब भी तो करना आ, ही पड़ता है जैसे आप नेटवर्किंग का हाँ। शब्द दिया जाता है ये सब करना पड़ता है किसी भी फील्ड में करना पड़ता है तो, ये, ये uh, I mean, आप, तो, तो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे हाँ. उनको ट्रोल करना चालू कर दी देखो फर्स्ट क्लास में बैठा भाई <laughs> उसने कितनी मेहनत की है। हाँ, क्यों नहीं बैठा उसको कौन दे रहा है फर्स्ट क्लास हाँ उसने क्या फिर बोलोगे कि उसको ठर्रा पीना चाहिए हाँ, तो नहीं नहीं पीनी चाहिए, इसको झोला इसको पहन के चले हाँ, और इसने जूते कैसे पहने चप्पल क्यों नहीं पहन रहा है, तो बहुत ज्यादा मतलब पत्रकारों के साथ यही है कि ये ट्रोलिंग का मतलब काम के बारे में काम की बात करें नहीं तो फिर पर्सनल होने को तो अगर कोई मेरे साथ पर्सनल भी होता है तो आई डोंड इन सेम कॉइन

तो टीबीएफ के साथ हॉस्टल डेज का फोर्थ सीजन जो लास्ट सीजन जो का सीजन टू किस घटना पे अब वो नहीं बता, बता रहा सकता है अरे यार मैं तो वो Amazon वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया अच्छा तो लेकिन वो इस साल आ रहा है पता नहीं कुछ नहीं पता अच्छा पर वो शूट कर दिया शूट कर चुके हैं अभी पोस्ट में

आपको कोई रिप्रेजेंट करता है आपके लिए काम ढूंढता है आपको जैसे को वो एक, नहीं कर नहीं कोई नहीं करता। है, जैसे एक स्टार है, uh, hmm. हर हर है, लेते हैं मोस्टली फ्रेंच स्टार उसके इर्द द पीपल द कास्टिंग हु आर वर्किंग सो हार्ड टू गेट वर्क एंड फॉर और उसकी जो सारी पॉलिटिक्स है और चलता है किस तरह से हिंदी वर्जन हिंदी वर्जन बना है बना था ना? हाँ वो तो फ्रेंच वर्जन इज द ओरिजिनल क्योंकि उसका हमारे यहाँ पे भरी. कोई पैरेलल uh, नहीं है इस तरह hmm. का सिस्टम नहीं है तो इसलिए तो ये लेकिन बड़ा एक्साइटिंग फेज है अभी बिकॉज़ द राइटिंग इज इंप्रूविंग द ऑडियंस प्रोफाइल इज चेंजिंग मेरी मेरी माताजी जो पहले यूज्ड टू बी हुक्ड ओनली टू टेलीविजन आ, वो अब धीरे धीरे पिछले दो तीन साल से शी स्टार्टेड वाचिंग ओटीटी तो मेरा काम आता है सेम तो कहते हैं नेटफ्लिक्स लगाओ यार ये सब बोरिंग हो गया है अच्छा अमेजोन लगाओ सोनी पे कुछ नया आ रहा है क्या मैं भी रिकमेंडेशन देते रहता हूँ हमारे देखने से पहले देख लेती हूँ सब कुछ स्कैम वगैरह तो हमने बहुत बाद में देख देख हाँ, तो बड़ा एक्साइटिंग फेज है उस तरह से That's cool. people just need to wake up and grab this moment and churn out really good material क्योंकि the audience is really receptive right now मुझे लगता है for new stories क्योंकि उनके taste बदल चुके हैं काफी कुछ world का देख पा रहे हैं है, movie जैसे हैं या even Netflix Amazon ये वो वगैरह जो भी subscriptions मिलते हैं films के साथ मुझी? बड़ा uh, I think पठान आने से पहले हुँ. ये बहुत चलती थी बात कि films के साथ जो Bollywood जो शब्द है उसकी जो फिल्में हैं वो चल नहीं रही हैं और साउथ की फिल्मों को देखो तो रीइन्वेंट करना पड़ेगा उनको क्या कमी रह रही है मुझे लगता है स्क्रिप्टिंग पे वो वही थोड़ा जो फॉर्मूले एक जो चल रहा है अब उसको अगर आप सोचें कि इसी फॉर्मूले को हम इम्प्रूव कर देंगे तो चल जाएगा हाँ। कभी तो फॉर्मूले एक्टर्स ले आएंगे जो कि जो चल जाएगा लेकिन फॉर्मूला भी तो ऑब्सोलीट हो जाता है ना थोड़ी देर बाद सो नॉट ऑल फिल्म एज वेल नॉट ऑल फार्मूले एज वेल अगर आप शोले आज देखते हैं तो शायद आपको मज़ा आएगा क्योंकि हाँ। वो उस जमाने की अच्छी फिल्म है अगर आप दिलीप कुमार की साहब की कोई पुरानी फिल्म नरगिस जी की कोई पुरानी फिल्म देखेंगे आपको अच्छी लगेगी क्योंकि एक उसमें टाइमलेस क्वालिटी है राइटिंग अच्छी है परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं कुछ यूनिवर्सल बात की जा रही है नॉन फॉर्मूले एक है इसलिए हम आज तक वो सिनेमा देख रहे हैं पर आप इस होप में कि फॉर्मूले को और थोड़ा चमका देते हैं तो वो चल जाएगा वो नहीं चलेगा आपको री करने का जो का जो पेन है जो दर्द है वो तो झेलना ही पड़ेगा हर हर कोई झेलता है बिल्कुल तो अभी फिलहाल ये हमारा कैमरा है जी और ये एनसी हैंग है शो का नाम चैनल का नाम न्यूज क्लिक है जैसा अभी आपको लगी हुई है बातचीत जैसा अभी आप चाहते हैं कि लोग देखें या ना देखें सब्सक्राइब करें या भाग जाएं, <laughs> आप इसमें बोल ना देखें और भाग जाएं ऐसा तो क्यों बोलूंगा भाई इसमें मेरा भी स्वार्थ है Uh, मैं एक्टर हूँ और मुझे जितनी बड़ी ऑडियंस मिले और न्यूज़ क्लिक को भी जितने जितनी बड़ी ऑडियंस मिले तो ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा तो न्यूज़ क्लिक देखते रहिए अलग अलग तरह के इस पर विषय होते हैं आ, ये तो शायद कल्चर आपके उसके के अंतर्गत आएगा लेकिन बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है तो उनके प्रोग्राम देखिए ज़रूर